प्रेरितों के कामों का वर्णन 23वां अध्याय। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। तब पौलुस ने यह जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यों कहकर झगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से बरबस निकालो और गढ़ में ले आओ। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाड़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जनों के ऊपर थे। उन्होंने महायाजकों और पुरनियों के पास आकर कहा, हमने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। और पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। सो उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, पौलुस बंधुए ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, उसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाएं, मानो तू और ठीक से उसकी जांच करना चाहता है, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं पिए तो हम पर धिक्कार। और अभी वे तैयार हैं और तेरे वचन की आस देख रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया कि किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं। और 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भालेत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, प्रतापी फेलिक्स हाकिम को क्लॉडियस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया, और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में
उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दईयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। सो जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में लाए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने पढ़कर पूछा, यह किस देश का है? और जब जान लिया कि किल्किया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी।